हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोमा की संस्कृति। आज हम बनाएंगे क्रीम चीज़ एंड गार्लिक चीज़। ये बहुत ही आसान और हेल्दी रेसिपी है, आप सब भी ट्राई करें। चलिए मेरे साथ बनाइए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको हम मीडियम फ्लेम में गर्म करेंगे। हमें इसे उबालना नहीं है, हल्का गरम करना है। दूध गुनगुना गरम हो गया है। हम इसका फ्लेम बंद करके लेमन जूस या सिरका डालेंगे। मैंने यहाँ पे सिरका इस्तेमाल किया है, आप लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सिरके को एक साथ नहीं डालेंगे, एक एक चम्मच डाल के इसको चलाएंगे। हम लगातार इसको चलाते रहेंगे और दूध थोड़ा थोड़ा फटने लगा है। हमें दूध को ज़्यादा बॉयल नहीं करना, हल्का गरम करके ही इसको बनानी है। हमें छेना नहीं बनाना, हमें क्रीम बनाना है। अब हमारे दूध अच्छी तरह फट चुका है। अब इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। अब हम इसे छानने के लिए एक सूती की कपड़ा लेंगे। अब हम इसे छान लेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह निचोड़ लेंगे, साफ पानी से इसको दोबारा धो लेंगे। ऐसे करने से सिरका की खटास निकल जाएगी। इसके पानी निकाल के अच्छी तरह निचोड़ के 10 से 15 मिनट तक हम छोड़ देंगे। अब हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। मिक्स में डाल के अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। ये बहुत ड्राई है, इसमें थोड़ा सा दूध फटने के टाइम जो पानी बच गया था वो थोड़ा सा इसमें डालेंगे। आप मिल्क भी डाल सकते हो। अब ये स्मूथ तरीके से बन गया। अब हमारा क्रीम तैयार है। अब चीज़ को दो हिस्से में बांट लेंगे, एक प्लेन चीज़ क्रीम और एक गार्लिक चीज़ क्रीम बनाएंगे। हम प्लेन चीज़ को पेस्ट्री, केक, कपकेक, ब्रेड में लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम एक हिस्से को गार्लिक चीज़ बनाएंगे। हम पैन को गरम करके एक क्यूब बटर डालेंगे, लो फ्लेम में हम बनाएंगे। बटर थोड़ा मेल्ट होने देंगे और इसमें 6 से 7 चॉप गार्लिक डालेंगे। गार्लिक को हल्का सा भुनना है, इसे रेड नहीं करना। इसमें 1/2 टेबल स्पून ओरिगेनो, 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स डाल के अच्छी तरह भून लेंगे। आपके पास ओरिगेनो ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। अब 1/2 चम्मच नमक डाल के अच्छी तरह मिला के गैस बंद कर देंगे। अब चीज़ में डाल के अच्छी तरह मिला लेंगे। अब हमारा ये गार्लिक चीज़ तैयार है। अब हमारे पास दो चीज़ बन गया, एक प्लेन चीज़, एक गार्लिक चीज़।
गार्लिक चीज़ से बहुत टेस्टी सैंडविच बनते हैं। मैं एक गार्लिक सैंडविच बना के दिखाती हूँ। मैंने वही पैन इस्तेमाल किया है, उसमें थोड़ा बटर डाला। दो ब्रेड पीसेस को हल्के सेंक लेंगे। एक ब्रेड की स्लाइस में गार्लिक चीज क्रीम लगाएंगे अच्छी तरह। दूसरी ब्रेड उस रख के दोबारा इसको हल्के सेंक लेंगे। अब हमारा ये सैंडविच तैयार है। ये बच्चे और बड़े सबको बहुत पसंदीदा चीज़ है। चाय या कॉफ़ी के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। ऐसे ही रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरी चैनल सोमा की संस्कृति को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। स्टे होम, स्टे सेफ। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।